हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट। आज उनसे रिलेटेड तीन एग्जांपल डिस्कस करेंगे एंड इन तीनों में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सो हेयर वी आर गिवन थ्री वैक्टर्स एंड वी हैव टू टेल वेदर दीज थ्री आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। सो वंस अगेन वी विल टेक देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर यू वी एंड डब्ल्यू की वैल्यूज पुट कर दी। जब फर्स्ट वाले टर्म्स को ऐड करेंगे ये टर्म मिलेगी, सेकंड वालों को ऐड करने पर ये एंड थर्ड वालों को ऐड करने पर ये। नेक्स्ट दोनों साइड कंपेयर करने पर हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ जाएंगे। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो वही हमारा पुराने वाला कि तीन वेरिएबल्स हैं और तीन ही इक्वेशंस हैं, तो उन्हें एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका प्रूफ मैं यहाँ पर पेस्ट भी कर दूंगा, आप उसे एक बार चेक कर लेना। सेकेंड मेथड है हमारे पास, इन इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज अवर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दैट इज अल्फा वन के कोफिशिएंट्स 1, 2, -3, अल्फा टू के कोफिशिएंट्स 1, -3, 2 यहाँ लिख दो। सिमिलरली अल्फा थ्री के कोफिशिएंट्स, एक्स होंगे हमारे पास स्केलर्स एंड जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स। आप चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, हमारे पास यही तीन इक्वेशन आने वाली है। प्लस टू का कंसेप्ट है ये हमारा। नाउ मेन काम है हमारा यहाँ पर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, और डिटर्मिनेंट फाइंड करना हमें आता है। जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे बाय फर्स्ट रो ऊपर लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले इस वन को उठाओ बाहर, और इसकी कॉलम और इसका रो इनको छुपा दो, पीछे जो बचा उसे यहाँ पर लिख दो। नेक्स्ट वन को उठाओ विद दिस माइनस वन सिंबल, इसकी कॉलम रो को छुपा दो, पीछे जो बचा यहाँ लिख दिया। सिमिलरली टू को उठाएंगे, पीछे वाली टर्म यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट जब इनको सॉल्व करेंगे 5 × -3 -15, 2 × -1 -2 एंड बीच में सिंबल आएगा माइनस का हमेशा। सिमिलरली इनको भी सॉल्व करेंगे एंड फाइनली वी गेट -30 विच इज अ नॉन जीरो नंबर। एंड मुझे मेनली यही चेक करना था कि डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है या फिर नॉन जीरो। उसका फायदा देखो, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। नाउ सी यहाँ पर ये वाली टर्म की वैल्यू नॉन जीरो आ गई, इट मींस अगर इसका प्रोडक्ट जीरो होना है तो इस टर्म को पक्का जीरो होना पड़ेगा, दैट इज अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री सारे के सारे स्केलर्स पक्का जीरो आएंगे। सो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो व्हेन दीज थ्री स्केलर्स आर जीरो। Therefore, this set is linearly independent set of vectors. And in case, अगर ये determinant जीरो आ जाता तो इनकी वैल्यूज में कुछ मर्जी नॉन जीरो नंबर रखूँ तो भी आंसर जीरो आना था। इन दैट केस ये सेट क्या होते, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। नाउ अगर पेपर में आपने जल्दी से चेक करना है कि तीन वैक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट, तो हम डायरेक्टली इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। बट आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन वैक्टर्स को हमने कॉलम वाइज अरेंज करना है। जैसे यहाँ पर भी देखो यू वी एंड डब्ल्यू इनकी वैल्यूज हमने कॉलम वाइज अरेंज करी है। नेक्स्ट अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर जीरो आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर। एग्जांपल नंबर टू, इफ यू वी डब्ल्यू आर लीनियर इंडिपेंडेंट वैक्टर्स इन वी थ्री एफ मतलब थ्री डिमेंशनल स्पेस, देन प्रूव दैट यू प्लस वी वी प्लस डब्ल्यू एंड डब्ल्यू प्लस यू आर ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इन्हें इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। वंस अगेन वी विल टेक देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करने पर ये इक्वेशन मिलेगी एंड हमने इनमें से यू वाली टर्म्स को सेपरेट कर लिया, वी वाली को अलग, डब्ल्यू वाली को अलग। इसका फायदा क्या हुआ, क्योंकि हमें गिवन है यू वी एंड डब्ल्यू आर लीनियर इंडिपेंडेंट। और ध्यान से देखो ये कॉम्बिनेशन यू वी एंड डब्ल्यू का बन चुका है। एंड अगर ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इनके स्केलर्स पक्का जीरो होंगे, दैट मीन्स अल्फा वन प्लस अल्फा थ्री, अल्फा प्लस अल्फा टू, अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री, तीनों के तीनों स्केलर्स जीरो आएंगे। एंड जब इनको सॉल्व करेंगे तो अल्फा वन अल्फा टू एंड अल्फा थ्री तीनों जीरो आएंगे, दैट मीन्स इस कॉम्बिनेशन के सारे स्केलर्स जीरो आएंगे। देयरफॉर दीज थ्री वैक्टर्स वुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स। ये सॉल्व आप खुद कर लेना, क्लियर। एंड एक होमवर्क क्वेश्चन ये आपके लिए बच्चे, लास्ट एक इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। प्रूव दैट द वेक्टर्स यू एंड वी
इन वी टू सी आर लीनियर डिपेंडेंट बट इन वी टू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सी मतलब फील्ड हमें गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एंड आर मतलब फील्ड इज ऑफ रियल्स। तो अब इसे कैसे हैंडल करना है वो देखो। सिंपल सी बात हमें बताए अगर दो वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट हैं इट मीन्स वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। नाउ अगर ये लैम्डा हमारे फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स में आ गया देन हम कह देंगे ये दोनों डिपेंडेंट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर लैम्डा रियल में बिलोंग कर गया देन वी विल से दीज आर डिपेंडेंट इन फील्ड ऑफ रियल्स। इजी। बट हमेशा लैम्डा को आपने कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करना है बिकॉज रियल नंबर्स उसमें ही कवर हो जाएगा। देखो वो कैसे, हमने लिया लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आटा बीटा सच दैट यू इज लैम्डा टाइम्स वी। नाउ अगर ये अल्फा और बीटा दोनों के वैल्यूज हमें मिल जाती हैं तो हम कह देंगे यू एंड वी डिपेंडेंट हैं अदरवाइज नहीं है। तो देखो यहाँ यू की वैल्यू पुट की, यहाँ वी की वैल्यू पुट की। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा प्लस आटा बीटा को वन के साथ भी मल्टीप्लाई किया एंड इस टर्म के साथ भी। नाउ ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट साइड वी गेट दिस इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग सेकेंड टर्म वी गेट दिस इक्वेशन एंड फाइनली इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट अल्फा इज इक्वल टू वन एंड बीटा आल्सो वन। अब जो ये वैल्यूज आए उन्हें इस इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई कर लेंगे दैट इज अल्फा की वैल्यू वन एंड बीटा भी वन, मतलब वन प्लस आइटा का होल स्केयर बन गया विच इज इक्वल टू वन स्केयर प्लस आइटा स्केयर प्लस टू आइटा। एंड वी नो आइटा स्केयर इज माइनस वन, ये दोनों टर्म्स कैंसिल विच मीन्स आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये वैल्यूज इस इक्वेशन की को भी सेटिस्फाई करती हैं दैट मीन्स ये अल्फा और बीटा बिल्कुल सही वैल्यूज हैं। सो इन लास्ट वी विल से दैट देयर एग्जिस्ट लैम्डा इज इक्वल टू वन प्लस आइटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स सच दैट यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वी, देयर फोर U and V are linear dependent in field of complex. Next, अगर real numbers की बात करें तो देखो अगर यहाँ पर by chance beta की value zero आ जाती then in that case हमारा lambda कितना आता one plus iota into zero, मतलब lambda की value आती one which would belong to real numbers also. This means in that case U and V dependent हो जाते in V to R. But यहाँ पर लैम्डा आया था वन प्लस आइटा, मतलब एक प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर। देयरफॉर दीज टू वेक्टर्स आर डिपेंडेंट इन वी टू सी बट इंडिपेंडेंट इन वी टू आर। क्लियर? सो दिस वाज आवर लास्ट वीडियो ऑन टॉपिक वेक्टर स्पेसेस। नेक्स्ट वीडियो में लीनियर अलजेब्रा के सेकंड न्यू टॉपिक बेसिस एंड डाइमेंशंस को स्टार्ट करेंगे एंड सारी की सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।